वेलकम टू मैक्स किचन। आज बनाते हैं तंदूरी मोमोज। यहाँ पे मैंने कुछ वेजीज ली हैं, जैसे कि कैबेज लिया है, शिमला मिर्च लिया है, ऑनियन लिया है, और इसे अभी मैं ड्राई रोस्ट कर रहा हूँ। इसका जो भी मॉइस्चर है मैं निकाल दूंगा। इसे हमें अच्छी तरह पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। आप कौन सी भी वेजीज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैरेट हो गए, बीन्स हो गए, स्प्रिंग ऑनियन हो गए। मेरे पास जो वेजीज़ थे मैंने उसी का ही इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा इसमें मैं अभी पिंच ऑफ सॉल्ट डाल रहा हूँ, क्योंकि ये जो इसका जो पानी है, हमें थोड़ा सा पानी 70-80% इसका जो भी पानी है हमें निकालना है, मॉइस्ट करना है इसे, लेकिन पूरी तरह इसे पकाना नहीं है, क्योंकि इसे हमें जूसी भी रखना है और थोड़ा सा क्रंची भी रखना है। जैसे ये पक जाएगा फिर हमें इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा करना है। जब तक ठंडा हो फिर हम मोमोज बनाने की तैयारी में लगते हैं। तो हमें मोमोज के लिए डो बनाना होगा, जिसके लिए मैंने एक बोल लिया था। उस बोल में मैं 1 कप मैदा यूज़ करूँगा। अब मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा यूज़ किया है और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट यूज़ किया है। अब पानी यहाँ पे मैंने पहले से, अब इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करूँगा और पानी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डाल के हमें इसका सेमी सॉफ्ट डो लगाना है। अच्छी तरह इसको हाथों से हमें मसलना है और इसका एक सेमी सॉफ्ट डो बनाना है। तो पानी उस हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। तकरीबन मुझे यहाँ पे 1/2 कप से थोड़ा सा कम, 1/4 कप मुझे यहाँ पे पानी लगा। तो अभी ये एक डो बन चुका है। हम इसे कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए रेस्ट रखेंगे, इस डो को रेस्ट करने रखेंगे। तब तक मैं मैरिनेशन की तैयारी करता हूँ। यहाँ पे मैंने बेसन लिया था, मैंने इसे ड्राई रोस्ट किया है। ये 1/2 कप बेसन है, तो मैंने इसे अच्छी तरह भून लिया था पहले। भूनने के बाद यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे टर्मरिक पाउडर लिया है, कोरिएंडर पाउडर, यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट का यूज़ किया है, और यहाँ पे काली मिर्च मैंने डाली, रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और यहाँ पे अभी मैं चाट मसाला डाल रहा हूँ। आप इसमें ड्राई मैंगो पाउडर भी डाल सकते हैं। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और स्पाइसेस को मिक्स करना है। और उसके बाद अभी 4 बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने कर्ड ली है। तो हमें एक फ्लोई कर्ड लेनी है, हंग कर्ड नहीं यूज़ करना है, नॉर्मल कर्ड यूज़ करना है इसमें, और इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। जेंटली इसे अच्छी तरह इसे मैरिनेशन को पूरा मिक्स करें। और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, और यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। इसका जो भी है कलर अच्छा आ जाएगा इस मैरिनेशन में। कोई भी फूड कलर का इसमें मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। कसूरी मेथी मैंने क्रश करके डाली है। अब मैं मस्टर्ड ऑयल को मैंने अच्छी तरह गर्म किया था। यहाँ पे मैंने कम से कम 4-5 बड़े चम्मच मैंने मस्टर्ड ऑयल लिए थे, और उसे अच्छी तरह धुआं आने तक मैंने उसे हॉट ऑयल को हॉट किया था। और इस मैरिनेशन में गर्म होने के बाद जैसे उसका धुआं अच्छी तरह आ गया, तो इसमें मैंने इस मैरिनेशन में डाल दिया। तो इसका जो फ्लेवर आता है वो मस्टर्ड सील यानी सरसों के तेल से ही आता है। इस मैरिनेशन का जो कलर और फ्लेवर एनहांस होता है वो इसी तेल से आता है। नॉर्मल ऑयल से आपको इतना टेस्ट नहीं आएगा। फिर मैंने इसमें लेमन ड्रॉप्स डाले थे। अब मैं चपाती, हमारा डो रेडी हो गया है। अब मैं मोमोस बनाने की तैयारी करता हूँ। तो मैं अभी इसे चपाती की तरह हल्के हाथों से इसे बेलूँगा। थोड़ा सा मोटा रखना है इसे हमें, थोड़ा सा इसे, अभी मुझे यहाँ पे गोल शेप नहीं आता। परफेक्ट चपाती बनाने में मैं इतना ये नहीं हूँ, अभी तक मेरी चपाती परफेक्ट नहीं बनती है। तो मैंने एक जार के कैप का इस्तेमाल किया है, ढक्कन के इस्तेमाल किया है, थोड़े से मोमोस को शेप देने के लिए। तो सारे हमारे मोमोस एक ही शेप के बन सकते हैं। तो यहाँ पे मोमोस को मैंने गोल शेप में काटा है, और उसमें जो स्टफिंग हमने बना के रखी थी वो इसमें यूज़ करना, और जो भी इसके एजेस है हम अच्छी तरह इसको एजेस को पूरी तरह कॉर्नर्स को बंद करेंगे, और ऊपर से भी इसको अच्छी तरह प्रेस करेंगे। जेंटली इसे प्रेस करना है, और उसके बाद आपको ऑयल हीटअप करना है एक कढ़ाई में या एक पैन में, और इन मोमोस को फ्राई करना है। हाई टू मीडियम फ्लेम पे इसे हमें फ्राई करना है क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह। अब अगर आपके मोमोज थोड़े ऊपर तक आ गए तो उसमें जो भी यहाँ पे ऑयल है आप उसमें थोड़ा सा गर्म ऑयल छिड़क सकते हैं उनके ऊपर, और कंटिन्यूसली इसे थोड़ा सा ओकेजनली आपको इसको स्टर करते रहना है जब तक ये क्रिस्प और ब्राउन ना हो जाए। ये हम इसे फ्राई क्यों कर रहे हैं, ताकि इसका जो मैरिनेशन है अच्छी तरह सेट हो जाए। स्टीम करने से उनका मैरिनेशन वहाँ पे सेट नहीं होता, फिर आपके तंदूरी मोमोज अच्छे नहीं आएंगे, वो जल्दी से फट जाएंगे। तो इसीलिए हम इसे अच्छी तरह फ्राई कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेरा दूसरा बैच है, उसे भी मैं फ्राई कर रहा हूँ। और जो पहले वाले जो मैंने बैच हमारे रेडी हो चुके, उसे थोड़ा हल्का सा ठंडा होने के बाद उसे मैरिनेशन में डाल दूंगा। और आपको इस मैरिनेशन में डालने के बाद आप हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जेंटली आपको इस मैरिनेशन में इवनली इन मोमोज को मैरिनेट करना है।
जेंटली इसे ये करना है ताकि हमारे मोमोज भी ना टूटे, और कम से कम इसे आप डीप फ्रीज कर सकते हैं 20 से 25 मिनट के लिए ताकि हमारे मैरिनेशन सेट हो जाए अच्छी तरह मोमोज पे। और अभी यहाँ पे ना मैंने ओवन या तंदूर का इस्तेमाल किया, यहाँ पे मैंने गैस का इस्तेमाल किया। मेरे पास एक ग्रिल पड़ा था और गैस के पहले नीचे मैंने फॉइल पेपर रख दिया ताकि पूरी गंदगी ना हो, तो साफ़ करने में भी आसान हो जाता है। थोड़ा ग्रिल को मैंने अच्छी तरह गर्म होने दिया और यहाँ पे मैंने उस ग्रिल पे रख के तंदूरी की तरह ही मैं मोमोज को तंदूर कर रहा हूँ। थोड़ा सा ब्लैकिश स्पॉट्स आने के लिए यहाँ पे मैं तंदूर की तरह यहाँ पे चिमटे की मदद से मैं इसे तंदूर कर रहा हूँ। तो आप ध्यान रखें, अच्छी तरह केयरफुल रहें गैस पे पकाते वक्त, तंदूर करते वक्त मोमोज को। और बस ये इसी तरह सारे मोमोज को आप तंदूर कर लीजिए और बस फिर रेडी हो जाएगा आपका तंदूरी मोमोज घर पे बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ। ऐसे इजी रेसिपीज़ के लिए मुझे फॉलो कीजिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे। ऐसे स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट स्टाइल विद नो एडेड फूड कलर्स, इजी बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।